Hi friends, welcome on Europedia and ECP, and this particular video is related to the probable syllabus for motor vehicle officer post, which is there for mechanical engineers, automobile engineers and non-engineers. Haryana Public Service Commission ne ye seats nikali hain. 23 seats mechanical and automobile engineers ke liye hain aur 13 seats generic hain non-engineers candidate ke liye hain motor vehicle officer ki. इसका फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट हो रहा है और आई थिंक कुछ दिन चलेगा इन अगस्त. और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज हरियाणा में इलेक्शन आने वाले हैं और एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट उससे पहले होंगे. और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत ही फेयर रिक्रूटमेंट कर रहा है. हम काफ़ी टाइम से उसको स्टूडेंट्स को जो मेंटरिंग कर रहे हैं और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ कंडक्टिंग एग्ज़ाम इन अ वेरी फेयर एंड प्रॉपर वे. आई मीन टाइमिंग्स के साथ प्रीलिमिनरी मेंस इंटरव्यू अच्छे तरीके से कंडक्ट हो रहा है. और ये ऑप्शंस इलेक्शन के पास जो आती हैं आपकी वो आपको इनकैश करनी चाहिए. अब मोटर व्हीकल जो हमारा जो निकल रहा है इसका एग्ज़ाम जो निकला है इसमें दो तरह की सीट्स एडवर्टाइज हुई हैं फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को उसका सिलेबस का पता नहीं है. तो मोटर व्हीकल ऑफिसर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सीट्स निकाली हैं और ये पिछले 2 अगस्त का ये आपका जो डेट है डेट ऑफ पब्लिकेशन इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 412024 इज़ पोस्ट ऑफ मोटर व्हीकल ऑफिसर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हरियाणा में 23 सीट्स. इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपका ये हमने पहले डिस्कस किया है. ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 2 अगस्त तक से स्टार्ट होके 22 अगस्त तक आप इसको भर सकते हैं. तो आप इसको अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं इसको ज़रूर भरना. यूरोपीडिया ने इसके ऊपर टेलर मेड मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है और आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट होगा अगर आप ये जॉब लेना चाहते हैं तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास. सो मिला के 13 सीट्स जनरल कैटेगरी में है. बाकी आप देख रहे हैं जो कैटेगरीज है उसमें इतनी सीट्स आपके पास हैं. मेहनत करोगे तो निकल जाएगा. और ये ऐसी जॉब्स होती हैं कि जिसमें आप करियर अपना लीड कर सकते हैं. दे आर गुड जॉब्स फॉर यू. उसी तरीके से जो सेकंड जॉब है वो जो एडवर्टाइजमेंट 42024 एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका मोटर व्हीकल ऑफिसर डेजिग्नेशन सेम है एनफोर्समेंट. ये भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में. इसके लिए नॉन इंजीनियर्स या जनरल जो आपके बेसिकली ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए है. 13 सीट्स इसमें हैं. अगेन इसका भी सिलेबस मैं आपको सर अभी जब सिलेबस डिस्कस करूँगा मैं आपको बताऊँगा सिलेबस में क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों सिलेबस में क्या इनके आपका डिफरेंस आ सकता है. अब देखो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने तो सिलेबस नहीं निकाला और मोटर व्हीकल ऑफिसर का एज सच सिलेबस आपकी ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम तो होते हैं. मोटर व्हीकल ऑफिसर के बहुत फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम नहीं होते तो इसका जो सिलेबस बाकी स्टेट्स से हमने इसको उठाया है. अगर मैं मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की बात करूँ तो आपका जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो तो आएंगे. टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पूछेगा. क्वेश्चन का लेवल अलग होगा. टेक्निकल सब्जेक्ट्स में फोकस भी अलग होगा. जैसे आपका जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें कुछ आपके फ्लूड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक मशीन्स के जो बेसिकली उन्होंने सिलेबस दिया होता है उसमें से क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं. आपके थर्मल साइंस फ्लूड थर्मल थर्मोडायनेमिक्स आइस इंजन बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है जिसमें कंप्रेसर वगैरह ये सारे का सारा सिलेबस इंटरनल कंबशन इंजन कंप्रेसर ये वाला सिलेबस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट सिलेबस का. फिर डिज़ाइन का पार्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्योंकि मोटर व्हीकल ऑफिसर की पोस्ट है तो ऑब्वियसली टेक्निकल वो आपसे पूछेगा मैकेनिकल के बीच में और ऑटोमोबाइल के बीच में. लेवल इसका बहुत ज़्यादा डेप्थ वाला लेवल नहीं होता. बहुत ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी छोटे मोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेगा. फिर इसमें आपका जो मटेरियल साइंस है और जो मशीन डिज़ाइन पार्ट है और बॉयलर वगैरह का जो एक्सेसरीज वगैरह है वो पार्ट भी आपका आएगा. अब देखो इसका सिलेबस कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जो वो आपका व्हीकल या मोटर व्हीकल के साथ लिंक करती हुई चीज़ हो. गियर्स हैं बॉयलर्स हैं मटेरियल है कौन सा मटेरियल यूज़ होगा. आप जानते हैं कि ऑटोमोबाइल में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है तो फोकस थोड़ा सा अलग होता है. ये मटेरियल साइंस ना होके जो आपका मटेरियल यूज़ होता है ऑटोमोबाइल के बारे में उसके ऊपर फोकस इन्होंने ज़्यादा किया होता है और उस तरीके से आपको इसका सिलेबस गो थ्रू करना है. ये सारे के सारा मैं इंजीनियरिंग डोमेन के लिए बता रहा हूँ. उसके बाद जो कंस्ट्रक्शनल फीचर्स हैं इंजन के और रिलेटेड सिस्टम वहाँ से क्वेश्चन सिंगल सिलेंडर मल्टी सिलेंडर होता क्या है. ऑब्वियसली
मोटर व्हीकल है तो मोटर व्हीकल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, और फ्यूल सिस्टम क्या होता है, तो मान के चलिए कि जो इंटरनल कम्बशन इंजन है वो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल का सिलेबस भी इसमें आपका ऐड होगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल के सिलेबस को अगर जोड़ दिए जाए वैसा आपका ये पार्ट बनाने की ट्राई करेंगे। और सिलेबस तो ऑब्वियसली हर एग्ज़ाम का होता है, लेकिन अगर आप करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम निकल भी जाता है, और उसके बाद मेंस का ये लोग मेंस का भी यू नो आपका होता है उसमें, तो मेंस में भी आपके पास काफ़ी स्कोप होता है आगे इंटरव्यू तक जाने के लिए। लुब्रिकेशन, कूलिंग सिस्टम, तो मिक्सचर है मैकेनिकल और जो आपका ऑटोमोबाइल है उसका मिक्सचर है, क्योंकि मोटर व्हीकल ऑफिसर जॉब है तो चेसिस एंड फ्रेम्स ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो नहीं पढ़ते, सस्पेंशन सिस्टम वगैरह, लेकिन ऑटोमोबाइल में इसका हल्का फुल्का आप पढ़ते हो, चेसिस सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम क्या है, ब्रेक सिस्टम क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो मिक्सचर है इन दोनों का। ट्रांसमिशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये भी आपका मोटर व्हीकल्स में होता है, तो जो आपके सिलेबस में इंजीनियरिंग वाला पार्ट है यहाँ से वो उठाएगा पार्ट सारा। तो मिक्सचर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, थोड़ा डिटेल में पूछेगा क्योंकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, मोटर व्हीकल से रिलेटेड है, तो जैसे आपका एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का जो सिलेबस था काफ़ी डिटेल में एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का सिलेबस उन्होंने पूछा था, उसी तरीके से ये भी सिलेबस काफ़ी डिटेल में तुम्हारे पास आएगा। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन ऑटोमोबाइल, किस तरीके से आप ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट को हैंडल करते हो, डेफिनेशन क्या है, कुछ लॉज, लेजिस्लेशंस, मोटर व्हीकल एक्ट, ऐसे लॉज वगैरह के बारे में भी पूछता है, लेकिन आपको ये चीज़ें थोड़ी सी आनी ज़रूरी हैं क्योंकि एग्ज़ाम में वो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का सिलेबस है, तो वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा फॉर श्योर। एंट्री ब्रेकिंग सिस्टम्स वगैरह क्या होते हैं, एयरबैग्स क्या होते हैं, जीपीएस क्या है, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल किसको बोलते हैं, फिर कुछ आपका मोटर व्हीकल एक्ट जो मैं आज जिसका एक वीडियो बनाऊंगा, मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, मोटर व्हीकल रेगुलेशंस क्या हैं, उसके बाद आपके मोटर व्हीकल एक्ट के डिटेल्स में वो क्वेश्चन पूछेगा। तो फ्रेंड्स ये आपका जो सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस किया ये आपका मोटर व्हीकल ऑफिसर का सिलेबस है, जहाँ तक जनरिक सिलेबस की बात है वहाँ पे टेक्निकल पार्ट नहीं आएगा, लेकिन वेरियस लॉज, लेजिस्लेशंस एंड पॉलिसीज जो हैं मोटर व्हीकल की और उनसे रिलेटेड जो आपके कंपोनेंट हैं वहाँ से क्वेश्चन वो पूछेगा, और मे बी जनरिक पार्ट में वो थोड़े और कंपोनेंट भी डाले जो नॉन इंजीनियरिंग कंपोनेंट हैं, जैसे एप्टीट्यूड वगैरह के कंपोनेंट। तो अभी इसका एक टेलर मेड मॉड्यूल यूरपीडिया ने लॉन्च किया है, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको गो थ्रू करना स्टार्ट करें, इस चैनल से जुड़ जाएं, और आपको इसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको आप रेगुलरली गो थ्रू करना स्टार्ट करें, सो दैट आपकी प्रिपरेशन उस डायरेक्शन में हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यूरपीडिया इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर यू, आप इसको अच्छे तरीके से पुश करें सो दैट यू कन्वर्ट इट इनटू फाइनल सिलेक्शन। थैंक यू।